अपनी चैती लाड लड़े हुए श्रीमती किरण चौधरी जी को विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। माननीय श्रीमती किरण चौधरी, माननीय श्रीमती किरण चौधरी को गांव समाज के पूर्व सरपंच चौधरी रणवीर नंबरदार जी पगड़ी पर आकर के सम्मानित करेंगे। आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैडम किरण चौधरी जी को पगड़ी बना करके गांव संधवा के पूरे सरपंच चौधरी रणवीर नंबरदार जी पगड़ी बना करके सीएलपी लीडर माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी का मान सम्मान करेंगे। गांव संधवा की महिलाएं दिल से माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी का स्वागत करते हैं। हम पूरे गांव की ओर से माननीय सरपंच चौधरी रणवीर नंबरदार जी माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करते हुए वर्षा देवी जी चुनरी उड़ा करके मैडम किरण चौधरी का मान सम्मान करते हुए पंडित रहते श्याम मैडम किरण चौधरी का स्वागत करते हुए आपके बीच आपकी प्रिय नेत्री माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी और जी सबको मेरी राम राम। सबके लिए अच्छा है क्योंकि सरकार बनाएंगे इस साल। और भाई तारा जो काम रह रहा है ना साजला पहले 6 महीने के भीतर भीतर पूरा दूंगी कर सारे काम में बोल के जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इन सोच करो ना 5 साल जो है वो इंतजार के पूरे हो लिए। देख लिया इस बारी सारा का सारा सौदा किस तरह से ये झूठ के जो पुलंदे हैं बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दे और कभी कुछ कहें कभी कुछ कहें असलियत के अंदर जम्मा मार गिरे सब सारे के सारे। सही बात है नहीं, सारा किसान की तो ऐसी बर्बादी कर दी भाई जब कभी पहले हो ही कौन। मेरे को अभी बता रहे थे कहते हैं जी हम जो है एफिडेविट लगाने के लिए जाते हैं जा तो स्टैंप ड्यूटी जो 10 रुपए की थी वो 2000 कर दी। सही बात है, और सारा का सारा 10 रुपए 2000 रुपए इतना बढ़ा दिया मतलब सीधा। साथ में महंगाई इतनी जो है सारी की सारा डीएपी की खाद महंगी कर दी, यूरिया महंगा कर दिया, कट्टा उसका जो है वो 5 किलो कम कर दिया। तो मतलब न्यू भी मारा और किसान का सबसे बड़ा घोटाला तो ये मोदी ने जो करा है ना वो है ये फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 3800 करोड़ रुपया कमा गया मोदी और किसान का गरीब का जेब काट किसे लोग हैं भाई के कर ले इनका जाके मुआवजा मांगन खातर जाओ तो वे न्यू दिखावाएंगे न्यू दिखावा ना कुठा तो मेरे ही नहीं पड़ता तो यहां तक मिली खेल के मुआवजा के किसी ने यहाँ पे दाना खरीदा है तो सारे इस सवाल में खरीदा या नहीं खरीदा नहीं सवाल करिए चंदवा चंदवा में खरीदा नहीं खरीदा नहीं किसी ने आया बस वही नहीं चौबीस और तो बिल्कुल ही नहीं लिया सारा सारी जेब और खाली कर दी सारों की जेब खाली कर दी नहीं कर दी दादी जो बैठी थी अपने उसकी संदूक खाली कर दी और दादी उसके ऊपर एक काम और बुरा हुआ एक तो जेब भी और बना दी है सारा देखो बोलो ये कारा बन था के धर्म रहे बहुत बुंदी बनाई हुई और तो गया तो बहुत बुंदी करी सच्ची है गांठ बांध लो ये तो इसे है भाई इतना झूठ तो जिंदगी में नेता अगर बोल जाए ना तो उसके तो मैं समझती हूँ उससे ज्यादा घटिया आदमी हो नहीं सकता। जो नेता झूठ बोलेगा ये बताओ जिन्होंने वोट घेरी थी जो जीत के निकले थे वो हाथ खड़े कर गया बोला मैं तो लड़ू मोदी ये वापस थोड़ी आओ कर दो रहे थोड़ी आओ वोट घेरवा गया जीत गया अपने बाज गया अरे बस कोई चलो तुम सब समझदार लोग 2 महीने के अंदर तीसरे महीने ये देखो सही कह रही है दादी देखो बटो मत आपस में एकजुट होके एक जगह लगो 3 महीने में ज्योति की वोट पड़ेगी समझ रहे हो ना। और इसके भाई बारी है तारी चौधर अगर तो ये ज्योति अच्छी वोटों में जीत के निकल गई एमपी बन गई तो न्यू सोच लियो सारा लट चंडीगढ़ में मैं गाड़ दूंगी
न्यू आंडर है ना, ये तो बोले जोड़ भाई मैं करूंगी साथ, अगर मेरे हाथ में मोती कलम आई तो हाँ झूठी बात कौन करूंगा, क्योंकि ये मोती कलम सही होगा। हाँ ये सादले काम तो मैं सारे करवा दूंगी, सादले की तो सोच ही ना रखो, सादले तो पहले भी करवाए थे। और भाई पहली कलम से सारे किसानों का 24 घंटे के भीतर भीतर सारा कर्ज माफ कर दू, सारा कर्ज, सारा का सारा पूरा जीएसटी जो लाग रहा है ना किसानों के ऊपर, कभी ये ट्रैक्टर पे कभी पे खाद पे ऐसे उस पे, सारा का सारा इसका समन्वय कर देंगे, समझ गयो। हाँ तो बिल्कुल सोच करो ना, एक बस एक चीज वो कहते हैं ना मछली की आंख है तुम्हारी एमपी का चुनाव, और ये मोदी के बतेरे लारे लपे सबने सुन लिए देख लिया, झूठा नंबर एक कि मैं सदा रहा तो नहीं, और जहां तक ये चुटारे वाली बात है भाई ये भी देख लिए, इनका भी हाल देख लिया क्या हो रहा है इनका। मेरा देखो चुटाले का जो वर्कर इतने साल से जो भी लगा हुआ है साथ, और कोई हमारे साथ आना चाहता हो तो भाई मान सम्मान के साथ उसे लेके आओ, क्योंकि 14 साल रीत पर बैठे हो गए भाई, आगे भी क्या कुछ कौन दिखे उसको, तो ठोक बजा के भाई बराबर का उसका भी दूंगी कर, समझ गए बराबर की गाँव में ना ना मैं झूठी बात कर, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा घर है और मेरे घर में जो लोग रहते हैं मैं चाहती हूँ मेरी कलम से उनका फायदा हो, समझ गए। मैं चुटाले की तरह झूठ नहीं बोलती, बीजेपी की तरह लारे लपे झूठी बात नहीं करती, और चुटाले में आगे कुछ रहा इसलिए नहीं कि देखो साची बात करिए, सबने देखा मेरा भी जी दुख पाया, विरोधी है भाई हमारा पर राजनीतिक विरोधी है ना, राजनीति में भाई वोट कहीं भी कोई डाले वो बात और, लेकिन सामाजिक तौर से जो उनके साथ करा है ना भाई ये गलत बात सही है बात नहीं, जो रातों रात गौरव बुढ़िया जो है उसको क्या कहते हैं उसकी बीवी जो है चौटाला साहब की वो अस्पताल बैठ गई और उसने देखने गया, खुद भी बीमार बेचारा 86 साल का बुढ़ा बुजुर्ग, और क्या कहते उसने देखने गया रातों रात, मतलब वहां से निकाल के जेल भिजवा दिया पुत्तों ने, देखो भाई किसा कलयुग आ गया, सही बात है नहीं, देख लिया तुमने, पहली बार मैंने सुना है कोई दादा दादी पोते को कोसते हुए, ठीक है ये देखकर मैंने कहा देखो जिनके कारण ये लड़के बने हैं के कारण ही तो है वो पोते, वही अपने दादे ने कहते जेल भिजवाने लग रहे हैं खाली इसलिए कि चुनाव के अंदर जाके उनके खिलाफ ना बोलते, बताओ भाई जीता इसी के अंदर जा तो खेल लेना भाई है इनका, तो भाई जो ही चलेगा, पहले तो देखा था हमने देवीलाल के गैल और चुटाले गैल, इन चुटाले के बाद हमने देखा या वे चुटाला और इनके गैल अजय चुटाला गैल, ये दो छोरे जो आने हैं ना इकट्ठे आगे जाके इनके गैल भी नहीं हो आपस के अंदर ही रहेगा, क्यों है समझ लो कार्यकर्ता की कोई सोच को नहीं, और इसलिए मेरे जानती जो कार्यकर्ता है बेचारा उसकी गलती सुनना है वो तो भाई नेता के खिलाफ क्यों लगता है कि भाई मेरा भी कुछ हो जाएगा, मैंने साथ इतना दिया तो मेरी भी पहचान होगी और मेरा भी आगे क्या होगा, ये जब होने वाला ही नहीं है तो भाई बिल्कुल सोच ना सकियो, और मैंने मेरा एक घर से दूसरे घर में जाना इतना आसान नहीं होता, आदमी यूँ सोचता है कि भाई जहाँ पड़ा है वही चलना, मेरे घर में तुम्हारे को बराबर का हक दूंगी मैं, ये अभी बोल के जा रही कोई कसर को छोड़ो, तो कोई आना चाहता हो भाई तो उसने पुरस्कार के लेके आओ, आज के दिन पहचान होगी, राजगैल आऊंगा फिर कोई फायदा, सच्ची बात है भाई राजगैल तो दुनिया हो है ना, तो वही मानना पड़ेगा सारा हरियाणा है ना, और भाई वो हाथ में कलम आ गई तो मेरे तो घर के और तो सबसे पहले तो फायदा सारा ही होना है ना, तो सारे खाता ही खत्म हो मैं नहीं तो, और मेरा कोई लेन देना कोई नहीं है सर्दी के मौसम में बाहर निकल निकल, तो अपना संभालो करो आगे बढ़ो और सोच ना करो, सामने जो है ना वो अंधेरे के वो है ना बादल चढ़ गए, अब 2 महीने भीतर भीतर हो लेगा फिर सारे का सरकार जो है आने से पहले ही जो है ये अधिकारियों ने भी मेरा बांट लेता है, ये भी फिर सारे जो है ना जूकर वो चूहे बांट बांट के आवेंगे नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो अपना संभालो सारे के सारे और मेरे को पारित करो, यूपी ने अच्छे वोटों से डाल के भेजो बस ये सोच लो, क्योंकि असली जो है सारा जो है वो चौधरी बंसीलाल जी के बाद ईद दोबारा मौका है, ये मौका ना चुके क्योंकि मोटी कलम आओगी ना जदी मोटे काम हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
बारे में जो पता चलता है तो बड़ा दुख होता है ये जानकर। तो पिछले 5 साल के अंदर बीजेपी ने वो हाल कर दिया हमारे जमींदारों का, किसान भाइयों का, कि ये कहीं के लायक ही नहीं रहे। अभी मुझे बता रहे थे कि एफिडेविट जो है वो अगर इनको केसीसी कार्ड के ऊपर वो कहीं देना होता है जहाँ 10 रुपये की स्टैंप ड्यूटी होती थी, 10 रुपये से बढ़ा के 2000 रुपये कर दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है जबरदस्ती इनके केसीसी कार्ड कटते जरूर हैं, लेकिन मुआवजा मांगने के लिए जब जाते हैं तो इन्हें मालूम ही नहीं है कहाँ पे क्या है। इनका समर्थन मूल्य जो है वो अनाउंस जरूर बीजेपी करती है लेकिन दाने इनके बिकते नहीं है। सारा महंगाई इतनी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, खाद का कट्टा घटा दिया 5 किलो। तो भाई किसान के साथ में जो मुंडी इन्होंने करी है ना, कोई कर नहीं सकता। और लंबे लंबे नारे देकर और लच्छेदार भाषण देकर झूठी बातें, झूठे वायदे करके बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक गांव में कहीं बेरोजगारी भत्ता नहीं आया भाई, बताओ किसी का आया भाई? 6000 रुपये 9000 रुपये देंगे तो 154 वायदे पूरे करें।